हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी, आपका स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साबूदाना की खीर कैसे बनाते हैं। साबूदाना की खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, साबूदाना चाहिए। साबूदाना को 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख लेंगे। 2 घंटे बाद पानी से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम एक पतीला लेंगे, उसमें दूध गर्म करेंगे। दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद जो मैंने साबूदाना पानी में भिगो के रखा था उसको एक बाउल में निकाल के दूध में डालेंगे। अभी हम साबूदाना दूध में डालेंगे और अच्छे से 10 से 15 मिनट तक इसको हल्की मीडियम गैस में पकाएंगे। अभी मेरा ये साबूदाना पक रहा है, इसको हम हिलाते जाएंगे, बीच बीच में हिलाते जाएंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा इसको पकने में। अभी जब तक मेरा साबूदाना पक रहा है तब तक मैं ड्राई फ्रूट तैयार कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट में इलायची, किशमिश, काजू, बादाम, नारियल तैयार करके रखा था, वो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ साबूदाना में। और अब तो हमारा साबूदाना लगभग रेडी हो गया है। अभी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ड्राई फ्रूट डाल किया है, अभी मैं गैस को बंद कर दी हूँ। गैस बंद हो गई, अभी मैं इसमें डालूँगी चीनी, क्योंकि चीनी हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालते हैं, गर्म दूध में नहीं डालते। गर्म दूध में डालने से दूध फट जाएगा, इसीलिए हमें गैस बंद करने के बाद चीनी डाली है। अभी मैं एक प्लेट में साबूदाने को निकाल लूँगी, तो आइए देखते हैं आपको मेरी ये साबूदाना की खीर कैसी लगी। कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। आप सबके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, कृपया मेरी हेल्प करें। देखो ये कितना अच्छा साबूदाना बन गया है। तो इसी तरीके से आप भी साबूदाना बना सकती हैं, किसी भी फेस्टिवल में आप खा सकती हैं, व्रत में भी खा सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी रहता है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।